नमस्कार, गांव की सरकार में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ संजय पूनिया। हमारी टीम पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत नांगल सीरस के अंदर। मुकाबला काफी कड़ा है, सर्दी का कोई असर नहीं है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर नवल किशोर जी है। नवल जी, पिछली बार प्रयास किए, जनता ने पूरा साथ नहीं दिया, आपकी बार फिर मैदान में किस प्रकार का माहौल देखते हैं? माहौल अच्छा है। मैं मेरे नाम के लिए नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव भाई, मैं सरपंच का नाम करूँ, मैं जनता की सेवा के लिए और जनता से जुड़ना चाहता हूँ। जनता को हर चीज़, मतलब जो भी समस्या है उसका समाधान करना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत 5 साल चुनाव लड़ लेते हैं, कुर्सी रोकना मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। सरपंच नहीं, सेवक चुनना चाहते, सेवक बनना चाहते हैं आप। ग्राम पंचायत आपकी सेवक चुनना, काफी बड़ा एरिया है, तो किस प्रकार के प्रयास, किस प्रकार के हैं आपकी बार, आपके किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं जनता के बीच में रास्ते, रोड लाइट, पानी की सुविधा, हर कोई काम हो जैसा जो कि मेरे प्रति, सरपंच के प्रति या मेरे अलावा उसके सरपंच की कुर्सी के अलावा कोई काम है वो भी मैं करने तैयार हूँ। हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मैं पिछले पाँच साल में ऐसा काम किया मैंने, मेरे निजी काम से जैसे पानी की व्यवस्था, बोरिंग की है मैंने, एक अपने सरकारी स्कूल है PL स्कूल हमारे ग्राम पंचायत पड़ती है, उसमें मैंने बोरिंग और पानी की टंकी उड़वाई मेरे निजी पैसों से। क्यों, मैं पैसा कोई साथ नहीं लेके जाता है, यहीं रह जाता है। धरती पर आया हूँ तो कुछ करके जाना चाहता हूँ। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आपके सामने प्रतिद्वंदी और भी बहुत से हैं, किससे मुकाबला, किससे लग रहा है आपको? मुकाबला तो मैं किसी से नहीं करना चाहता, मुकाबला कोई किसी से नहीं ले सकता है, मैं तो केवल जनता की सेवा के लिए हूँ। क्या क्या मुद्दे मेरे से कर रहे हैं लोग? मेन मुद्दे क्या क्या हैं आपके, जैसे रोड का हो गया, पानी का हो गया, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, नशा, इसके ऊपर शिक्षा में बढ़ावा देना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल आज ऐसी है कि बहुत पीछे है, उसमें कोई लोग ध्यान नहीं देते। मैंने मेरी ग्राम पंचायत दौलतपुरा में जो सरकारी स्कूल, उसमें आप जाके देखो जो काम किया है मैंने बच्चों के लिए, मैं हर चीज़ मतलब तैयार रखना चाहता हूँ। वहाँ के गुरुजी हमारे मोहन मास्टर जी हैं, हेड मास्टर, उनको भी बोल रखा है बच्चा किसी भी चीज़ से परेशान हो मेरे पास आओ, घर वालों को परेशान मत करो, क्योंकि परिस्थिति हर आदमी की डाउन होती है, समस्या रहती है हर आदमी के सामने। आज मैं कुछ करने लायक हूँ तो मैं उसको गाँव वालों के पास या अपने मेरी जनता के पास पहुँचना चाहता हूँ। आगामी आपके अब जो प्रयास है वो बहुत अच्छे प्रकार से दिख रहे हैं, जनता का साथ आपको अच्छे तरीके से मिल रहा है। चुनाव जीत जाओगे, जीतने के बाद में जो मुद्दे धरातल के मुद्दे हैं उनको लोग भूल जाते हैं, क्या आप भी औरों की तरह वही करोगे या फिर जनता के बीच में रह के जनता का काम? मैं भूलूंगा नहीं, जनता मुझे याद करेगी भाई, ऐसा आदमी हर बार आए और यही रहे हमारी पंचायत में। भगवान, मतलब भगवान से जनता ये प्रार्थना करेगी, सीट जनरल आए या OBC आए और यही इंसान सरपंच रहे। सर नवल जी, आज के टाइम में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नशे का, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा आ रही है, इसको लेकर पंजाब, हरियाणा की तरह राजस्थान में इसके बवंडर में फंसता जा रहा है, इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? पंचायत में यदि मैं आ गया तो इसको मैं बिल्कुल ख़त्म करना चाहूँगा। किस प्रकार से प्रयास क्या रहेंगे, इनकी नशा मुक्ति केंद्र बनाओगे या फिर इसके ऊपर कोई कैंप वगैरह लगाओगे? मैं नशा मुक्ति केंद्र में लगाऊंगा, इसमें प्रतिबंध में लगाऊंगा, मेरी पंचायत में ऐसी भी कोई दुकान नहीं रहेगी कि वो नशे की हो, मैं जुलूस निकालूंगा, मैं मतलब ये मान लो कि जान जी लगा दूंगा मगर इसको ख़त्म करूंगा। अभी जो हर आने वाली पीढ़ी ने इससे बहुत डाउन जा रही है तो इसको बंद करना चाहता हूं। नशा पूरे परिवार को ख़त्म करता जा रहा है। अब जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो, आपको वोट क्यों दे? मैं मेरे को वोट मत दो, जनता मेरी भावना और मेरे कर्तव्य को वोट दो, मैं उनके लायक हूँ या कंडे लायक हूँ तो वोट दो मुझे। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह चूल्हा है, गैस का चूल्हा आपकी बार जलाओगे उस पर रोटियां भी पकेगी, बिल्कुल, लेकिन पकने के बाद में जनता को स्वाद देना, ये हमारी मनोकामना, ये मेरा वादा है इस चीज का। जनता कभी ये नहीं कहेगी ये ऐसा है, ये कहेगी हर बार ये सीट आए और ये सरपंच बने, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जनता को मैं पूरा खरा उतरूंगा, बिल्कुल कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर जिले के बिल्कुल नज़दीक में ये ग्राम पंचायत नांगल सीरस, एक जोश बहुत अच्छा दिख रहा है, ये जोश जब धरातल पे उतरेगा तो बहुत बड़ा जलजला सा ला देगा। जनता मौका देगी, अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो, जो आपके बीच में रहो उसको चुनो। धन्यवाद, देखते रहिए DPK न्यूज़।